Hello friends, welcome back to my channel. This is Neha Patel. If you are new to my channel, let me just introduce myself. My name is Neha Patel. मैंने अपनी CS professional examinations 2020 में clear की थी and I am also doing law और I am doing my internship from Tata Capital Limited and I love to connect with you all, इसलिए मैं YouTube videos भी बना लेती हूँ. तो गाइस सब वीडियो बनाते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाउ टू स्टडी एंड आई एम मेकिंग अ वीडियो कि पढ़ने के बाद क्या करते हैं. बट आई थॉट दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अबाउट स्ट्रैटेजी. मैंने कहा था कि पढ़ना स्टार्ट करो, जो भी छोड़ा था वो. तो मैंने सोचा कि आप जब पढ़ो उसके बाद ये ज़रूर करना जो मैं बताने वाली हूँ. काफ़ी सारे लोग स्किप करते हैं बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ रिक्वायर्ड एंड ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है. सो इस वीडियो को स्टार्ट करो उसके पहले लेट मी जस्ट गिव यू क्विक ग्लिम्स ऑफ द अपकमिंग अनअकैडमी बैच विद रिस्पेक्ट टू CSET. एज यू कैन सी ये जुलाई 2021 CSET अटेम्प्ट के लिए बैच है और लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ था 26th of May 2021, दैट इज़ लास्ट वेनसडे. ऑल्सो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए बिकॉज अगर आप अभी एनरोल करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है इफ़ यू यूज़ माई कोड, दैट इज़ CS Neha. नाउ यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज यहाँ पर टॉप नॉच एजुकेटर्स इन इंडिया है, लीडिंग प्रोफेसर है. फॉर इंस्टेंस लॉजिकल रीजनिंग के लिए इट्स प्रणव चंदक प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स के लिए इट्स प्रोफेसर मनीष दुआ, लीगल एप्टीट्यूड के लिए इट्स सतीश भाटी प्रोफेसर, फॉर बिजनेस एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स इस प्रोफेसर आदित्य शर्मा एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एंड वाइवा वॉइस के लिए इट्स मिस रचना खरे. The best thing about Unacademy is that the subscription is more than just classes. Like आपको physical classes में you will not get every fourth session a doubt solving session या फिर practice mock test papers यहाँ पर आपको हमेशा मिलेंगे. updated study material रहेगा. like CS में तो कितने सारे amendments आते हैं, वो हमारे mind से एक tension कम हो जाएगा. आपको all notes, access to every notes from all the educators एक ही one place पर मिलेगा. recorded lectures मिलेंगे with unlimited watch time and obviously live interactive classes तो रहने ही वाला है. Now how to get this Unacademy subscription? It's very easy. आपको बस Unacademy learning app play store से download करना है, आपका goal CSET डालना है and then click on subscription. Also मैं वापस याद दिला दूँ, आपको 10% discount मिलेगा extra if you use my code, that is CS Neha. The best thing about this is, you know what, कि आप इसको ट्रायल बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आप कोई फिजिकल क्लासेस या कुछ और ऑनलाइन क्लासेस देखते हो, वो लोग आपसे पर सब्जेक्ट चार्ज करते हैं या फिर पर अटेम्प्ट चार्ज करते हैं. बट Unacademy इज़ डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे आपको 1 month, 3 month, 6 months, 12 months, 24 months तक का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें अलग अलग प्राइजेस रेंज करते हैं. एंड ट्रस्ट मी, ये सबसे बेस्ट प्राइजेस पे आपको क्लासेस मिल रहा है. The big surprise here is that आप CA Foundation plus CSET, like उन बच्चों के लिए जो CACS दोनों करना चाहते हैं उनका आपको एंट्रेंस दोनों का देना पड़ेगा, उसके लिए you also get a big combo in Unacademy. So what are you waiting for? Try my code, avail my code, avail 10% discount. समझो आपने आज EBCL पढ़ा, जो एग्जीक्यूटिव में एक मॉड्यूल है, आपने उसका एक चैप्टर पढ़ा, आपने एक घंटा लगाया उस चैप्टर को पढ़ने के लिए एंड फाइनली आपने वो चैप्टर पढ़ लिया. अब आप आपकी जगह से उठे, आप फ्रेश होने गए, अब आप सोचे कि हाँ ये चैप्टर तो हो गया, अब इसको कल या दो तीन दिन के बाद जब भी आपको रिवाइज मारना हो तब आप उसको रिवाइज मारने के लिए आपने वो चैप्टर वापस दो तीन दिन के बाद खोला. मुझे बताओ अब इसमें क्या होगा? आप जब रिवाइज मारने बैठे तब वापस पूरा चैप्टर रिवाइज मारोगे? एक एक वर्ड, एक एक मॉड्यूल, मतलब एक एक वो पूरे चैप्टर से पूरा मॉड्यूल में से आप वापस रिवाइज मारोगे तो क्या फ़ायदा हुआ आपका वो पढ़ के? आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट योर माइंड मैप सब ऐसा कुछ बिकॉज वो तो नेसेसरी है. आई एम टेलिंग समथिंग डिफरेंट कि आपको कुछ क्विक करना पड़ेगा पढ़ने के बाद ही, जिससे यू नो आप जब भी अपकमिंग रिविजन्स कर रहे हो आपको फ़ायदा हो. इफ़ यू गाइज आर अवेयर, ICSI हर एक चैप्टर के पीछे एक ब्लैंक पेज देता है, उस पेज का फ़ायदा उठाओ. लाइक समझो आपने आज घर बैठे एक चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ा, तब आपको क्या करना है? तुरंत पढ़ने के बाद अपनी जगह से नहीं उठना है, आपके माइंड में वो चैप्टर फ्रेश है, एकदम फ्रेश है, आपको वो जॉट डाउन करना है, लिखना है, कैसे भी लिखना है, माइंड मैप्स बना के लिखो, ड्राइंग करके लिखो, सर्कल्स बनाओ, कुछ भी करो बट लिखो जो भी आपने पढ़ा.
जो भी पढ़ा उसमें आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट था वो लिख दो. अब वो कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ. सो गाइज आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर विच इज पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट. इसमें इफ यू सी तो अच्छा हाँ आप ये जो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस वो भी आपको करना है. वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं. वो भी कभी कभी भी पूछ लिया जाता है. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेनल्टीज लिख दिया कि हाँ मतलब इसके क्या पेनल्टीज है. क्विक रिविजन हो गया लाइक मुझे ऐसे समझ में आ जाता था. इसको भी आपको वर्डिंग्स में डालना है. फिर जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे वो मैंने लिख दिया. जो भी उसमें से भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है वो मैंने रेड पेन से लिख दिया. लाइक पूरा चैप्टर यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया. और मेरे को अगर पब्लिक लाइबिलिटी पढ़ना रहता है तो मैं ये देख लेती हूँ. सी इफ यू वांट आप लोग बड़े बहुत गंदी हैंडराइटिंग से लिखा है. आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी क्या ही होगा. या सो यू ऑल वॉच्ड कि हमें कैसे लिखना है. लाइक उस मोमेंट में जैसे हमारा पढ़ के हो जाता है वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में एकदम ताजा होती है एकदम फ्रेश होती है. तो हमें तुरंत वो जॉट डाउन करना है उसी मोमेंट पे. हम डिले नहीं कर सकते. 10 मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेगा बट वो आपको हमेशा काम आएगा. लाइक अगर मुझे अभी पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस रिवाइज मारना होता है तो मैं ये देख लेती हूँ. इससे मेरा रिवाइज हो जाता है. मतलब आप पूछोगे क्यों रिवाइज मारना है तो कभी इंटरव्यूज दे दिया उसके लिए रिवाइज मारना पड़ता है. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक दिस. सो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप कोई चैप्टर पढ़ो फर्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट टू जॉट इट डाउन. एंड जब भी आप रिवाइज करोगे नेक्स्ट टाइम आपको बस वो डायग्राम देख लेना है. आपको बस वो चार्ट देख लेना है यू नो क्विक रेफरेंस के लिए. अब काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे जो ऐसे क्विकली नहीं बन पाएंगे. ये सब मैं उसमें सजेस्ट करूँगी यू नो लाइक EBCL के चैप्टर्स हो गए ILGL मतलब हमारे टाइम पे वो लेबर लॉज था. आपके टाइम पे आई गेस JIGL है उसके चैप्टर्स हो गए. उस चैप्टर्स में आपको ये करना है कुछ MCQs जो भी है उसमें आपको ये करना है. बाकी जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स है उसके लिए आई वुड सजेस्ट माइंड मैप्स ही बराबर है. तो अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ पढ़ रहे हो और वो छोटू सा चैप्टर है या फिर 10-12 पेज का ही चैप्टर है डोंट फॉरगेट टू यू नो ड्रॉ और राइट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इन द नेक्स्ट पेज. लाइक जो भी आपको उस ब्लैंक स्पेस मिलता है उसमें बस लिखते जाओ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था ये इंपॉर्टेंट था एंड बस. सो दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू से टू यू ऑल कि पढ़ने के बाद ये ज़रूर करना. ट्रस्ट में बहुत काम आने वाला है बहुत ही ज़्यादा. क्योंकि आप जब भी फ्री बैठे रहोगे बोर हो जाते रहोगे आपके सामने मॉड्यूल पड़ी रहेगी आप लास्ट में उठा के पढ़ लो उस चैप्टर का. आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा 2 मिनट्स 3 मिनट्स 5 मिनट्स. सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. इसने मुझे हेल्प किया था. लाइक मुझे ILGL बिल्कुल पसंद नहीं था बिल्कुल भी. मेरे को ऐसा मैं डरती थी उससे कि भाई इतने सारे नंबर्स इतने सारे याद करने की चीज़ें कैसे होगा. देन अचानक पता नहीं एक दिन मैंने कोई एक चैप्टर पढ़ा था आई गेस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट पढ़ रही थी और मैंने सोचा कि जो भी इंपॉर्टेंट है मैं वो लास्ट पेज में लिख देती हूँ कि भाई ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगा. ये ना कभी कभी होता है ना कि हमारा ब्रेन पूरा इन्फॉर्मेशन से फिल हो जाता है ओवरफ्लो हो रहता है. तो वो ओवरफ्लो हो गया मेरा ब्रेन और मैं लिखने लगी कि हाँ ठीक है ये लिख देती हूँ. फिर मैंने देखा यार ये तो बहुत हेल्पफुल है. मैंने हर चैप्टर के लिए ट्राई किया और ILGL में मेरे को एग्जेम्पशन लाइक 70 अप मिला था. सो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है एंड यू हैव टू डू इट. So yeah, do it. Bye. Best of luck.